हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज इजी। मैं आकृति, मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन बटर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल में। मैं चिकन बटर मसाला बनाने में किसी भी रेडीमेड मसाले जो मार्केट में मिलते हैं उनका यूज़ नहीं करूँगी। हमारे किचन में ही सारे मसाले अवेलेबल रहते हैं जिनसे चिकन बटर मसाला की ग्रेवी बनती है, और बाकी की भी सामग्री जो कि चिकन बटर मसाला बनाने के लिए यूज़ की जाती है वो घर में आसानी से अवेलेबल रहते हैं। इन्हीं मसालों के साथ और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं चिकन बटर मसाला बनाऊंगी, रेस्टोरेंट वाले कुक या शेफ़ इसे बनाते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और जब आप चिकन बटर मसाला पूरी तरीके से कुक हो जाएगा और आप इसे खाएंगे, तो पहला निवाला जैसे ही आपके मुंह में जाएगा, 30 सेकंड के लिए आप भूल जाइएगा कि आप घर में बैठकर चिकन बटर मसाला खा रहे हैं, क्योंकि मुंह में जाते ही इसका स्वाद वैसा ही लगेगा जैसे कि रेस्टोरेंट में बैठ के चिकन बटर मसाला खाते हैं। पर इसे बनाया है आपने अपने हाथों से और घर पे, ये खुशी जो है चिकन बटर मसाला का स्वाद दोगुना कर देगी, और इसे बनाने में भी मेहनत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए चिकन बटर मसाला बनाने के लिए चलते हैं किचन में, और स्टेप बाय स्टेप आप पूरी रेसिपी देखिएगा, तभी चिकन बटर मसाला में रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। चिकन बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे, उसके बाद उसकी ग्रेवी के लिए मसालों का प्रिपरेशन करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, साथ ही 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है जिसमें से आधा पेस्ट मैं चिकन को मैरिनेट करते समय डालूंगी, और बाकी का आधा अदरक लहसुन का पेस्ट मैं चिकन बटर मसाला की ग्रेवी को कुक करते समय यूज़ करूँगी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने एक कांच का बाउल लिया है और उसी में मैं सारे बोनलेस चिकन को डाल रही हूँ, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच फेंटी हुई दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। चिकन को दही, अदरक लहसुन के पेस्ट, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इस मिक्सचर को मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे 1 घंटे तक के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी ढककर। टाइम अगर कम है तो कम से कम आधे घंटे के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करिए। चिकन जितनी अच्छी तरीके से मैरिनेट होता है उतने ही अच्छी तरीके से वो अंदर से जूसी और टेंडर बनता है। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक चिकन बटर मसाला की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने हाई गैस फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा दी है। चिकन बटर मसाला की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को और 1 बड़े साइज़ के टमाटर को मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है, साथ ही मैंने लिया है 2 साबुत लाल मिर्च, आप चाहें तो तीखी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही मैंने 15 काजू लिए हैं जिन्हें मैंने बीच से तोड़ लिया है। ग्रेवी को रिच बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रेश क्रीम जिसे मैंने चम्मच से घर पर तैयार किया है। मैं घर पर फ्रेश क्रीम कैसे तैयार करती हूँ इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और मसालों को पकाने के लिए मैंने बटर लिया है और साथ ही लिया है कुकिंग ऑयल। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 इंच मोटा बटर क्यूब। बटर ऑयल के साथ धीरे धीरे मेल्ट होगा और गैस का फ्लेम लो रखना है, नहीं तो बटर जल जाएगा। और इसी के साथ मैंने 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा डाला है। बटर अच्छे से मेल्ट हो रहा है, साथ ही साथ जीरा भी क्रैकल हो रहा है, तो अब मैंने साबुत लाल मिर्च डाल दिया है। इसे मैं 5 सेकंड तक के लिए ऑयल और बटर के साथ फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों सूखे मसाले को लगभग 5 से 10 सेकेंड तक मैंने लो फ्लेम पर भूना है,
और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और टमाटर, और इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक सॉफ्ट होने तक और इनके कच्चे फ्लेवर के ख़त्म होने तक भूनूंगी। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आधा मैरिनेशन में यूज़ किया था और आधा मैं चिकन बटर मसाला की ग्रेवी तैयार करने के लिए प्याज और टमाटर के साथ भून लूँगी, जिससे अदरक और लहसुन का भी कच्चापन खत्म हो जाएगा। और इसी समय काजू को भी डाल देंगे और सभी को एक साथ मिक्स करके प्याज और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे कुक करेंगे। प्याज और टमाटर के जल्दी सॉफ्ट होने के लिए मैंने इसमें नमक डाला है। नमक मैंने हिसाब से डाला है क्योंकि चिकन के मैरिनेशन में भी नमक डाला हुआ है। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं प्याज और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए ढककर पकाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई का लिड लगा दिया है और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर मैं ढककर इसे लगभग 5 मिनट तक पकाऊंगी। उससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि प्याज टमाटर अदरक लहसुन और काजू को मिक्सी में पीस कर इनका पेस्ट तैयार करेंगे और तब उस पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसीलिए प्याज और टमाटर को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका कच्चा फ्लेवर चला जाए उतनी देर तक और ये सॉफ्ट हो जाए उतनी देर तक ही इसे फ्राई करेंगे। तो प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये भुने हुए मसाले जब रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएंगे तो इनका मैं एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लूँगी। प्याज टमाटर और बाकी मसाले ठंडे हो गए हैं तो मैंने मिक्सी में पीस कर इनका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए ये कितना स्मूथ है। इसी तरीके का पेस्ट हमें तैयार करना है। इसे पीसने के लिए मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है। 1 घंटे हो गए हैं और चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो अब इस चिकन को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है, वही कढ़ाई जिसमें मैंने प्याज और टमाटर को फ्राई किया था। चिकन को फ्राई करने के लिए मैं कुकिंग ऑयल और बटर दोनों का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ बटर में भी चिकन को फ्राई कर सकते हैं, पर ऑयल के साथ बटर मिक्स करके फ्राई करने पे बटर जलता नहीं है और डायरेक्ट हीट पे बटर को डालने पे बटर जल जाता है। बटर मेल्ट हो गया है तो मैं ऑयल और बटर के मिक्सचर में चिकन के पीसेस डाल रही हूँ और इसे फ्राई करूँगी। चिकन के पीसेस को एक दूसरे से कुछ कुछ दूरी पर रखेंगे जिससे कि ये पीसेस आपस में चिपके नहीं। चिकन का जो मैरिनेशन बच गया है उसे चिकन पीसेस के ऊपर डालकर चिकन के साथ ही फ्राई करेंगे। तो देखिए दही ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इस जूस के साथ चिकन अच्छे से फ्राई होगा जिससे कि वो जूसी और सॉफ्ट बनेगा। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर रही हूँ। तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये दही का जूस पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता और चिकन का कलर जब गोल्डन हो जाएगा तो उसे फिर बाकी मसालों के साथ मिक्स करके पकाएंगे। तो अब मैं चिकन को पलट रही हूँ और ये एक साइड से फ्राई हो गया है और अब इसे दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। तो दूसरे साइड से फ्राई करने के लिए इसे ढककर फ्राई करेंगे। बीच बीच में कढ़ाई का ढक्कन हटाकर चिकन को मैं चला भी रही हूँ जिससे कि वो चिपके नहीं। तो दही का जो मैरिनेशन चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने यूज़ किया था वो ड्राई हो गया है और चिकन भी गोल्डन हो गया है। दही को पूरी तरीके से ड्राई होने में करीब 10 मिनट का टाइम लगा है। अब चिकन भी पूरी तरीके से फ्राई हो गया है दोनों साइड से। आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन और काजू का भूनने के बाद जो मिक्सी में पीस कर पेस्ट तैयार किया था उसे डाल रही हूँ और इस पेस्ट को चिकन के साथ तब तक पकाएंगे जब तक कि पेस्ट में से अच्छी तरीके से ऑयल नहीं निकलने लगे और चिकन भी पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और कुक हो जाए। मसाले को अच्छी तरीके से पकने में लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और चिकन चूँकि फ्राई हो चुका है तो ये आधा से ज़्यादा कुक हो चुका है। तो चिकन भी मसालों के साथ थोड़ा और कुक होगा और पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे मैं ढक ढक कर लगातार चलाते हुए पका रही हूँ और जब तक पकाऊँगी
जब तक कि मसालों से पूरी तरीके से तेल नहीं निकलने लगे। तो देखिए, मसालों से थोड़ा थोड़ा तेल निकलने लगा है और इसी स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया है और कसूरी मेथी को चिकन बटर मसाला में ऐड करने से चिकन बटर मसाले का स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला हो जाता है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और इस सभी को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक भूनूंगी। और 1 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी होम मेड फ्रेश क्रीम। चिकन बटर मसाला की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है और अब फ्रेश क्रीम डालकर इसे 1 मिनट तक फ्रेश क्रीम के साथ पकाऊंगी, जिससे कि फ्रेश क्रीम का घी बाहर आ जाएगा। देखिए, मैं आपको क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ। ऑयल मसालों से पूरी तरीके से अलग हो गया है और चिकन भी अच्छी तरीके से कुक हो गया है, तो चिकन बटर मसाला बनकर रेडी है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और कढ़ाई का ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट तक के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखा आपने, चिकन बटर मसाला घर पर बनाना कितना आसान है और जितना टेस्टी ये बना है उतना ही खूबसूरत इसका कलर आया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। मैं कर लेती हूँ तब तक इसकी प्लेटिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस करिए बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में आने वाली मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। चिकन बटर मसाला की ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दे दीजिए। उम्मीद करती हूँ इस रेसिपी को बनाते समय मैंने आपके साथ जो ट्रिक्स शेयर किए हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगे और आप इसे ट्राई करेंगे और चिकन बटर मसाले का लुत्फ़ उठाएंगे। तो चलिए, चिकन बटर मसाला बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, खुश रहिए।